हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और अभी मैं जा रहा हूँ लैब में ब्लड टेस्ट के लिए। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मुझे ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा क्योंकि हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको ब्लड टेस्ट करा के देना पड़ेगा। तो मैं अभी जा रहा हूँ ब्लड टेस्ट के लिए लैब में, देखते हैं ओपन है या बंद हो गया है, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता है। अब दिन में मैं जॉब पर होता हूँ, तो अभी जस्ट आया और हो गए हैं शाम, तो मैं फ्रेश होके अभी जा रहा हूँ लैब में, देखते हैं खुला है या बंद है। तो अगर खुला होगा तो मैं ब्लड टेस्ट करा लूँगा। वैसे मैं बहुत सारा जगह पता किया, बट यहाँ पे मैं अभी जहाँ पे जाने वाला हूँ थोड़ा सा यहाँ पे मतलब उतना पैसा नहीं लग रहा है, जिससे दूसरी जगह 4,000 लग रहा था, बट यहाँ पे थोड़ा कम लग रहा है। जैसे डॉक्टर ने बोला भी था कि आप दूसरी जगह पता करो तो वहाँ पर भी कम में हो जाएगा, तो इसने बोला है 25-26 में हो जाएगा। तो देखते हैं आज क्या होता है, बात करेंगे उससे और बताते हैं आपको जैसा होता है। तो चलो चलते हैं अभी लैब में, नहीं तो बंद हो जाएगा क्योंकि अभी 9 बज रहा है, रात 9। सो गाइस, फाइनली मैं आ गया हूँ मार्केट के अंदर रोड पे, और मुझे जहाँ तक याद है यहीं आसपास में है, बट दिख नहीं रहा है, मैप खोलना पड़ेगा लगता है। इधर ही आसपास में है, इधर ही मैं आया था, आजू बाजू में कहीं तो है। तो चलो देखते हैं, पता करते हैं, मैप निकालते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर जाके पता करते हैं और टेस्ट कराते हैं। तो दोस्तों ये है लैब, देख सकते हो, और यहाँ पे मैं आया हूँ। सो गाइस, फाइनली मेरा ब्लड निकल गया है और अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से, देख सकते हो ये है। तो दोस्तों मैं ब्लड दे के बाहर आ गया और अभी जा रहा हूँ वापस, मुझे रिपोर्ट मिलेगा कल। मैं 2-3 लैब में और पता किया था, बट सब जगह 3,000 से ऊपर में हो रहा था, मतलब कहीं पे 3200, कहीं पे 3500, एक जगह तो 3800 भी था, बट यहाँ पे मुझे काफ़ी सस्ते में हो गया, काफ़ी कम पैसों में हो गया, मतलब मुझे 2300 रुपये में हो गया। उन्होंने बोला 2300 रुपये लगेगा, एक्चुअली उन्होंने बोला था 2600 रुपये लगेगा, बट 300 रुपये उन्होंने कम किया, तो मुझे 2300 रुपये में हो गया, जबकि बाकी जगह पे काफ़ी महंगे थे। सो आपको मिलेंगे कल, और मैंने उसको 1000 रुपये पे कर दिया है आज, बट जब रिपोर्ट लेने आऊँगा कल तो मैं उसको 1300 रुपये और पे करूँगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक, और मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ जॉब से और जा रहा हूँ लैब में रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि इसी टाइम उसने बुलाया था आज। तो मैं जस्ट जॉब से आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, और यहाँ से 2 मिनट लगेगा पहुँचने में, तो मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ लैब में रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि मुझे कल जाना है डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, और मेरा थेरेपी भी है, तो कल जाना है, अगर रिपोर्ट आज मिल जाएगा तो। मुझे जाना है उस पार क्योंकि उस साइड में है लैब, इधर मैं रोड पे हूँ। लैब में कोई नहीं है लगता है, वेट करना पड़ेगा। सो गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ लैब में, लैब में कोई नहीं है, लैब खाली है, मुझे लगता है कोई गया है बाहर, इधर कोई नहीं है, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ, देखते हैं कब तक आता है कोई, या फिर कॉल करता हूँ। सो चलो वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आता है लैब वाले, कब तक आते हैं, खाली है। जस्ट फ़ोन किया था अभी, तो फ़ोन करने के बाद पता चला है कि वो अभी गया है ब्लड लाने के लिए कहीं, तो उन्होंने बोला है कि 10-15 मिनट लगेगा। मैं पूछा कि भाई 10-15 मिनट लगेगा तो ठीक है, मैं वेट कर लूँगा, अगर ज़्यादा लगेगा तो आप बताओ। तो उसने बोला है कि ठीक है, मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि कितना टाइम लगेगा। सो देखते हैं, दोबारा कॉल आएगा, वेट करते हैं। सो गाइस, वेट करने के बाद 10 से 15 मिनट अभी वो आ चुके हैं, और अभी मैं लेने वाला हूँ रिपोर्ट, वो अंदर है भाई साहब। सो गाइस, रिपोर्ट नहीं मिला मुझे, उसने बोला कि टाइम लगेगा, अभी मेल के थ्रू आएगा, तो आप चले जाओ, बता दो एड्रेस, तो मैंने जस्ट बता दिया, वो मेरे बिल्डिंग के नीचे आएगा और मेरे को आके कॉल करेगा वो, तो कॉल करने के बाद फिर मैं जाऊंगा नीचे लेने के लिए। तो देखते हैं कब तक आता है, कब तक कॉल करता है, मैं भी काफ़ी टाइम वेट किया, उसके बाद मैं आ गया, सोचा चलो अभी जब खुद बोल रहा है कि मैं ला के दूंगा, तो इसलिए मैं आ गया। तो आ गया है, नीचे फ़ोन किया था लैब वाला और बोला कि आप नीचे आ जाओ, मैं
वेट करता हूँ नीचे। तो मैं जा रहा हूँ नीचे रिपोर्ट लेने के लिए, देखते हैं अब नीचे है या रास्ते में है। बोला मैं आ रहा हूँ तो स्कूटी से आ रहा है, पास में ही है। मैंने बोला स्कूल है कि यहाँ पे, स्कूल के बाद आना, तो फ़ोन किया था भी, बोल रहा है ठीक है मैं आ गया हूँ आप आ जाओ नीचे। मैं जा रहा हूँ उसका, देखते हैं किधर है और रिपोर्ट लेते हैं। फिर ऑलमोस्ट 10 बज गया। सो गाइस मैं ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट लेके आ गया, वो नीचे खड़ा था और वेट कर रहा था, तो मैं जस्ट गया अभी लेके आया। और ये रिपोर्ट के बारे में कुछ पूछा नहीं क्योंकि वो जल्दी में था, तो मेरे को पकड़ाया, मैंने उसको पेमेंट किया जो बचा हुआ था 1300 रुपये और लेके आ गया। तो अभी देखेंगे, ऊपर जाकर खोलेंगे और चेक करेंगे क्या है। वैसे तो उसने बोला है कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब नॉर्मल ही है, कुछ तो विटामिन की कमी है या क्या पता नहीं, तो देखते हैं। कल डॉक्टर के पास भी जाना है इसको लेके, और अभी इसको ओपन करूँगा ऊपर ले जाके।